Hello friends, today we are going to see the assignment problems with restrictions. In some assignment problem, there may be restrictions on the assignments of jobs to the facilities. That is, there is a restriction such that a particular job cannot be assigned to a particular facility. In such case, we assign a very high cost, that is infinity, to the corresponding element in the matrix. तो चलिए आज example देखेंगे हम assignment problems with restrictions. देखिए example क्या है. Solve the following assignment problem for minimization the cost such that machine M2 cannot be assigned job C and machine M3 cannot be assigned job A. क्या दिया है condition, देखिए क्या है. M2 के लिए कौन सा जॉब हम असाइन नहीं कर सकते, जॉब सी, और M3 के लिए जॉब ए. देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, M2 के लिए जॉब सी हम असाइन नहीं कर सकते और M3 के लिए जॉब ए. ठीक है, तो ऐसे केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको. देखिए सॉल्यूशन देखिए, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन दैट मशीन M2 कैन नॉट बी असाइन टू जॉब सी एंड मशीन M3 cannot be assigned to job A. So, we put a high cost, that is infinity, to the restricted element. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, infinity put करेंगे. ठीक है, total number of columns कितने हैं, 5, और total number of rows कितने हैं, 4. ठीक है, देखिए M2 के लिए मशीन C और M3 के लिए मशीन A. तो वहाँ पे हमने क्या put किया, M2 के लिए मशीन C, यहाँ पे हमने infinity put किया है, और M3 के लिए मशीन A, वहाँ पे हमने क्या किया, इन्फिनिटी पुट किया. ठीक है, सिंस नंबर ऑफ मशीन्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ जॉब्स, दिस प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. सो वी मेक इट बैलेंस्ड बाय एडिंग डमी रो. जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5. तो क्या ये गिवन प्रॉब्लम क्या है, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमको क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस्ड करना है. तो हम देखें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डमी रो ऐड करना पड़ेगा. तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया. टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी रो रिडक्शन करेंगे. ठीक है, नाउ वी सॉल्व दिस बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड. तो पहला स्टेप क्या रहेगा अपना, नाउ डू द रो रिडक्शन. तो देखिए क्या स्टेप होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट रो मिनिमम फ्रॉम ईच रो एलिमेंट. तो देखिए फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, 9. सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, 9. थर्ड रो में 7. फोर्थ रो में 7. और लास्ट रो 0 ही है. ठीक है, तो नया वाला मैट्रिक्स देखिए हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 0, 2, 6, 1, 2, 3, 0, इन्फिनिटी 1, 0, इन्फिनिटी 4, 7, 4, 0, 7, 1, 5, 0, 1, और लास्ट रो क्या है, ऑल जीरोस. ठीक है, ये हो गया रो रिडक्शन. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, कॉलम रिडक्शन. एज इट इज आ जाएगा, ये हो गया अपना कॉलम रिडक्शन. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, असाइनमेंट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम रो वाइज जाते हैं. तो देखिए फर्स्ट रो में कितने जीरोज हैं, 1 ही जीरो है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम असाइनमेंट करेंगे. ठीक है, और उस कॉलम में आने वाले जीरोज को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. अभी देखिए सेकेंड रो में कितने जीरोज हैं, 2 जीरो है, तो हम यहाँ पे असाइनमेंट नहीं कर सकते. थर्ड रो में कितने जीरोज हैं, 1 ही जीरो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे और उस कॉलम में आने वाले जीरोज को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. ठीक है, फोर्थ रो में देखिए 1 ही जीरो है, यहाँ पे असाइनमेंट होगा, यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे. फिफ्थ रो में 2 जीरो, तो हम यहाँ पे असाइनमेंट नहीं कर सकते. ये हो गया रो वाइज, अभी हम क्या करेंगे, कॉलम वाइज जाएंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी 0 नहीं है, सेकेंड कॉलम में 2 जीरोज है, इसलिए हम असाइनमेंट नहीं कर सकते. थर्ड कॉलम में देखिए 1 ही जीरो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे और उस रो में आने वाले जीरो को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे.
ठीक है। अभी लास्ट में देखिए यहाँ पे एक ही जीरो बचा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे असाइनमेंट कितना हुआ है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हेंस दिस इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देयरफॉर वी हैव असाइनमेंट, देखिए M1 मशीन के लिए ए जॉब है, M2 के लिए जॉब बी, M3 के लिए जॉब ई, M4 के लिए जॉब डी, और M5 का हम असाइनमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते। देखिए M1 के लिए जॉब ए, M2 के लिए जॉब बी, मशीन M3 के लिए जॉब ई और मशीन M4 के लिए जॉब डी, एंड M5 नॉट असाइन, दैट इज जॉब सी इज नॉट असाइन टू एनी मशीन। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, देखिए मशीन M1 जॉब ए, मशीन M1 जॉब ए की वैल्यू कितनी है, 9। M2 बी की वैल्यू क्या है, 9। M3 ई की वैल्यू देखिए क्या है, 7। यहाँ पे क्या लिखा, 7। मशीन M4 जॉब डी की वैल्यू क्या है, 7। यहाँ पे क्या लिखा, 7। इसलिए देखिए टोटल कॉस्ट कितना आ गया अपना, 32।